सर, ये जो मैडम को हो रखा है आँख में, जो फड़फड़ाना या वाइब्रेशन हो रहा है, ब्लिंकिंग हो रहा है, ये कब से हुआ सर? ये तो कम से कम 12 साल हो गए होंगे, 10-12 साल, 10-12 साल पूरा हो गया। 10-12 साल पूरा लग रहा होगा। अच्छा मैडम जी, नाम बता दीजिए, आपका क्या नाम है? नेगी मेरा नाम लता नेगी। जी, लता नेगी जी, ठीक है। इससे क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या क्या होता है, क्या क्या समस्या है? समझते तो एक तो फेस पूरी आंखें ऐसे ब्लिंकिंग करती है, आँख ब्लिंकिंग हो रहा है, हाँ, और पूरा खिंचाव आता है और थोड़ी थोड़ी देर बाद वो बंद हो जाती है। खिंचाव हो रहा है। हाँ अभी जो आँख थोड़ा सा कम, मोटे मतलब हो जाते बंद हैं। बंद होता जा रहा हाँ है, तो वो इसी की वजह से हो रहा है। हाँ ये इसी की वजह से हो रहा है। और फिर ये थोड़ा हॉर्न भी ये टेढ़ा हो अच्छा, जाता टेढ़ा है। भी, मुंह भी थोड़ा सा टेढ़ा हाँ हो टेढ़ा जाता हो है। जाता है। ओके, तो 12 साल से ये आप फेस कर रहे हाँ हैं। हाँ 10-12 साल हो ओके, गए इसे। इसके लिए आपने मैडम क्या क्या इलाज किया? सर, क्या क्या इलाज इसमें किया आपने? हमने मेडिकल एम्स में भी दिखाया, दिल्ली में और एम्स रामगढ़ में, हुई, ऑल इंडिया हाँ मेडिकल। दिल्ली के ओके ऑल इंडिया मेडिकल में दिखाया। ओके बस उनका ट्रीटमेंट एक ही है, वो कहते हैं बुटोक्स का इंजेक्शन लगाया भी उन्होंने ओके हाँ और लगेगा, वही एक ट्रीटमेंट है। वैसे वो कहते हैं मेडिकल में इसका कोई इलाज नहीं है, एक अच्छा, मतलब मेडिकल फील्ड में। और तो उसके बुटोक्स का बाद इंजेक्शन लगाने से इसका क्या प्रभाव बुटोक्स का पड़ा? इंजेक्शन लगाने से थोड़ा बहुत कुछ टाइम पीरियड के लिए वो आराम ब्लिंकिंग मिलता रुक है, जाता है, ब्लिंकिंग रुक जाता है। ब्लिंकिंग कितने महीने रुकता तक के लिए? 3 महीने से 4 महीने का टाइम होता है तीन चार उसका, महीना और 3-4 महीने बाद फिर शुरू हो फिर जाता है। लगाना पड़ेगा, फिर वैसे ही लगाना पड़ेगा वो। ओके और बट उसको लगाने से क्या होता है, फिर मुंह एक साइड को कई बार टेढ़ा हो जाता है, फिर वो कहते हैं जी हम दूसरी साइड से भी लगाएंगे तब ठीक होगा, लेकिन अच्छा फिर वो उनका अगर डोज का बैलेंस ना बने तो वो प्रॉब्लम रहती है। बट क्यों, अच्छा वो ब्लिंकिंग बंद का मतलब आंखें ब्लिंक ही नहीं करती, जो हमारी आंखें अच्छा अच्छा नेचुरल अच्छा ब्लिंक होता है ना हाँ, वो भी वो बंद हो भी बंद जाता हो है। जाता अरे है वो बाप रे लगाने बाप, के बाद, ओहो, उसका जो नेगेटिव पार्ट जी है जी 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 वो ये प्रॉब्लम है। और वो कहते हैं मेडिकल साइंस में इसका इलाज नहीं है, वैसे अदरवाइज कोई इलाज नहीं है। मेरी आंख भी तो ना ये वैसे थोड़ी चीज। देर के लिए ब्लिंक करती, थोड़ी थोड़ी देर के लिए ब्लिंक करती है, बीच बीच में नॉर्मल भी हो जाती है। अच्छा, काफी परेशान तो आपको होगा जब कोई हाँ अटैक कर बिल्कुल देता है बिल्कुल, अपने वो से। मतलब एक तरह से आपका होपलेस, मतलब हमको होपलेस कर देती है आदमी वो, को वो करता है ना, डिप्रेस करता है, डिप्रेस। हेजिटेट करता है ना कि आपकी आंख ब्लिंक कर रही है, जी 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 एक नॉर्मल नहीं है जी फेस। मैंने सुना है इसका इंजेक्शन का दाम भी काफी महंगा है। हाँ इंजेक्शन का दाम मतलब महंगा क्या है, गवर्नमेंट रामनो लोहिया तो फ्री लगाता है, अच्छा, लेकिन वैसे प्राइवेट इसका में इंजेक्शन जो है 6-7 हज़ार। मार्केट में 10 हज़ार का है, दस अच्छा 12 अलग अलग रेंज के, 7 हज़ार का भी है, अच्छा लेकिन वो इंजेक्शन एक इंजेक्शन से कम 8-10 लोगों को लगाते हैं। अच्छा मैंने सुना था 25,000-30,000 नहीं वो का। अलग अलग वो है, अच्छा उसके अच्छा अगर आप मार्केट में जाएंगे जैसे तो, जैसे जैसे प्रॉब्लम है ना उस हिसाब से अच्छा, उसकी मेडिसिन की, मतलब बट वो लगा इंजेक्शन काफी एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव भी है। दूसरा उसका क्या है कि वो कोई परमानेंट इलाज नहीं है, वो एक आदमी को एक इंजेक्शन से नहीं होगा, दवाई वेस्ट हो जाएगी। वहां पर तो क्या होता है एम्स और उसमें वो 25-30 पेशेंटों को या 50 पेशेंटों को बुलाते हैं, और उस एक इंजेक्शन में से फिर कई लोगों को अरे देते हैं, बाप रे अगर बाप, एक इंजेक्शन एक बार खुल गया अदरवाइज वो दोबारा काम नहीं आएगा। तो इसलिए वहां क्या है, वहां क्राउड होता है तो वो लगा लेते हैं। तो आप सर 10-12 साल से यही इंजेक्शन प्रयोग कर रहे थे? हाँ हाँ बीच में हमने छोड़ भी दिया था, हाँ लेकिन तो क्या आपको ऐसा मतलब दिमाग में अथवा आपके विश्वास में या तो आपका वो जहन में चीज़ आ गई कि थेरेपी करना चाहिए, कैसे आपको नहीं, ये? मेरे को मेरे हाथ में जो दर्द हुआ था अच्छा और वो उसमें भी मेरे को वही हुआ कि जैसे मैंने डॉक्टर को दिखाया, उसने MRI भी कराया लेकिन उसका कोई इलाज नहीं, मेरे को ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो जब मुझे कहीं से पता लगा आपका सुजोग का, तो मैंने जब ट्रीटमेंट किया तो मुझे लगा कि आपके उसमें हो सकता है, इसके आंखों का भी हो ओके सकता तो है अभी तक उसमें। आपको जो आपका बाजू में दर्द था, जो शोल्डर, हाँ फ्रोजन जी शोल्डर हाँ था, जी, जो इलाज वो तो कितने परफेक्टली ठीक हो गया अभी महीने दो पहले दिन हुआ था? पहले की, उसको तो हो गया मेरे ख्याल अप्रैल में से हो एक गया, साल पांच छह होने महीने वाला नहीं, है। 5-6 महीने हो गए, अच्छा 5-6 महीने ज़्यादा ही हो गया नहीं शायद। ज्यादा हो गया, हाँ अप्रैल में पांच छह हमने महीने नवरात्रि कराए थे ना तब जी आपसे जी वो, हाँ तो हो चुके अप्रैल जी से ये जनवरी आ गया, मतलब जी 9 महीने हो नौ महीने गए, हो गए। हाँ 8-9 महीने से मेरे हाँ, आप को मुझे अभी भी ब्लिंक, याद है कि आप पूछ रहे थे कि इसके बाद अगर अभी ठीक हो गया तो बाद में कुछ तो नहीं होगा, तो मैंने ये भी आपको भरोसा दिला दिया था कि कुछ नहीं होगा, हाँ आपसे नहीं बोल के मैं नहीं यहीं ये पे हूँ बिल्कुल बोल के। बिल्कुल, मैं मुझे उसी से विश्वास हुआ अच्छा कि इसका ट्रीटमेंट आप कर सकते हो करके, तभी मैंने आपसे बार बार, तभी मैं आपकी वेट कर रहा था। वाह वाह, ठीक है, देखते हैं, दुआ करते हैं, प्रभु से हाँ दुआ करते हैं बिल्कुल कि ईश्वर बिल्कुल, जो है हम भी सबका भला आपसे करे। थैंक हम यू सो भी मच, उम्मीद करते बहुत कि ही
सब मिलके जी। ये लगाने के बाद आपको अभी थोड़ा 20-25 मिनट आधा घंटा तो करीब हो गया, क्या फर्क आ रहा है? अभी यहाँ ये वाला खिंचाव तो अभी है, जो फड़फड़ाने का खिंचाव, जो फड़फड़ाने का फड़फड़ाने वाला खिंचाव जो है वो अभी कम हो गया है। कम हो गया हाँ। अच्छा, लग रहा है कि इसे कुछ होगा। हाँ, उम्मीद तो है। उम्मीद है। थैंक यू सो मच। चलिए दुआ करें, सब अच्छा होना चाहिए।